नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरपीएफ के बारे में। आज एडमिट कार्ड किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, किस प्रकार से नहीं, अगर आपके पास में लैपटॉप या मोबाइल के अंदर भी आप लगा सकते। सबसे पहले हम बात करेंगे आरपीएफ के बारे में। आरपीएफ के अंदर हम वेबसाइट लगेंगे, आरपीएफ की वेबसाइट लगेंगे और आरपीएफ आपका नीचे आ जाएगा। तो आरपीएफ पे हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट आएगा, रिक्वायरमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपकी वेबसाइट इस प्रकार की खुल जाएगी। और यहाँ आपको लिखा हुआ है कि प्रिंटर आउट और उसके बाद में लिखा हुआ है स्टेटस फॉर रोल नंबर, तो रोल नंबर पर क्लिक करेंगे। जिस जोन से आपको भरा है उस जोन पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं ये जोन पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ जोन पे क्लिक करना है और यहाँ आपको लगाना है रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। चलिए मैं मेरे दोस्त हैं उनका मैं बात कर लेता हूँ और मैं आपको निकाल के बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको लगाना है। तो यहाँ मैं आपको रोल नंबर लगा रहा हूँ, तो जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मैं आपके पास में लगाया जा रहा हूँ। उसके बाद में आपको बताना है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि सर हमारा नहीं निकला, तो हम आपकी पूरी सहयोग करेंगे। ये लगाने के बाद यहाँ आपको लगा दें डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हम लगाएंगे कि क्या डेट ऑफ बर्थ है। तो चलिए हम डेट ऑफ बर्थ लगा लेते हैं और आपको केवल रोल नंबर बताएंगे, ना कोई सिटी बताएगा, ना अभी तक कोई नहीं बताया, ओनली फॉर आपके रोल नंबर क्या है वो आपको बता दिया जाएगा। और यहाँ कैप्चरा है, कैप्चरा हम लिख लेंगे, बड़ी आसानी से हम लिखेंगे। और अगर आप मोबाइल के अंदर भी करना चाहें तो मोबाइल के अंदर भी आपको मिल जाएगा दोस्तों, तो मोबाइल के अंदर भी आप देख सकते हैं। ये आपको देखिए, ये आपको ये रोल नंबर, ये रोल नंबर आपका क्या है, ये आपके रोल नंबर है। तो चलिए इसी प्रकार से हम बात करते हैं एसआई के बारे में बात करते हैं। तो एसआई का जो है हम ये यहाँ लिखेंगे आरपीएफ, आरपीएफ एसआई के बारे में हम लिखेंगे। ये एसआई हमने लिख दिया और सर्च कर लिया है। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर आ रहा है एसआई का, तो हम एसआई के ऊपर भी क्लिक कर लेंगे और वही सेम प्रोसेस है। आप देख सकिए एसआई की भर्ती है, आप यहाँ आप देख सकते हैं और यहाँ आपको प्रिंट आउट और रोल नंबर स्टेटस दे रखे, तो आप रोल नंबर पे क्लिक कर जाइए और जो आपको जॉन भरा है वो आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये मैंने बताया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं किस प्रकार की सर ये प्रॉब्लम है, तो हम इसकी जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशन करेंगे। और जो भी आप बताएंगे, अगर आपको बताना है तो आप हमें कमेंट कर लीजिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ में दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, जिससे कि हम चेक कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर जरूर करें। नए वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद सो मच।